ये देखिए पास्ता कितने चीज़ी और टेस्टी लग रहे हैं। इसे मैंने बेक करके बनाया है जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ गया है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। वेज बेक पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है पानी, और पानी को हम अच्छे से बॉयल होने देते हैं। पानी बॉयल होने लगा है और अब इसमें हम डालते हैं पास्ता। पास्ता को 3 से 4 मिनट तक हम बॉयल होने देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना है क्योंकि हम पास्ता को बेक भी करेंगे, तो 4 से 5 मिनट तक बॉयल होना काफ़ी है। पास्ता बॉयल हो गया है और अब इसे हम छान लेते हैं। अब हमें सब्जियों को भुनना है, तो मैंने लिया है दूसरा पैन और इसमें हम डालते हैं ऑलिव ऑयल। हम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन और 1 चम्मच कसा हुआ अदरक। दोनों को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज। 1 कप मैंने लिया है प्याज, और प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज को थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं कटे हुए गाजर, 1/4 कप कटी हुई फ्रेंच बीन, 1/2 कप बेबी कॉर्न, और सभी को हम 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेते हैं। 2 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं स्वीट कॉर्न, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, और इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इसमें अब हम डालते हैं मिक्स्ड हर्ब्स, काली मिर्च पाउडर, और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, और प्यूरी डालकर हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा वेज बेक पास्ता बनाने के लिए वेजीज बिल्कुल रेडी है। अब चलिए हम व्हाइट सॉस भी बना लेते हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं बटर, और बटर को मेल्ट होने देते हैं, और फिर इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच मैदा, और मैदा डालकर हम इसे अच्छे से चलाएंगे। हम जितना बटर लेंगे उतना ही सेम क्वांटिटी में हम मैदा का भी यूज़ करेंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं दूध। हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें एक साथ दूध नहीं डालना है। व्हाइट सॉस बिल्कुल थिक हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स, और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़, और चीज़ डालकर हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चीज़ी व्हाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। अब चलिए हम बेक पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज बेक पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है बेकिंग ट्रे, और इसमें हम सबसे बेस लेयर में डालेंगे पिज्ज़ा पास्ता सॉस, और इसे हम बेकिंग डिश में स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम डालते हैं वेजिटेबल का मिक्सचर जो मैंने प्रिपेयर किया था अभी। इसे भी हम अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे, और अब इसके ऊपर हम फैलाते हैं वाइट सॉस। अब इसके ऊपर हम डालते हैं पास्ता। पास्ता से हमें डिश को पूरा कवर करना है। अब इसके ऊपर हम डालते हैं मोज़रेला चीज़, और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं ऑलिव्स। तो ये हमारा वेज पास्ता बिल्कुल बेक के लिए तैयार है। इसे हम 180 डिग्री पर रखकर 15 से 20 मिनट तक के लिए बेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वेज बेक पास्ता बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए।